पित्त में पथरी होना। पित्त में पथरी क्यों होती है, क्या कारण है, किन कारणों की वजह से पित्त में पथरी होती है, पथरी हो जाए तो क्या करना चाहिए और पथरी होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं पिघलाने के लिए पथरी। आज हम इस वीडियो में आपको पित्त की पथरी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश, आप देख रहे हैं ग्लांसिंग इंडिया चैनल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब बात करते हैं पित्त की थैली की। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर पित्त की थैली हमारे लीवर के पीछे की साइड में होती है, हमारे पाचन तंत्र का काम करती है। शरीर में पित्त की थैली का काम डाइजेशन करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पित्ताशय की सूजन क्या है। सबसे पहली बात यहाँ से बनती है आपकी। पित्ताशय की सूजन की स्थिति में कहें तो, अंग्रेजी वर्ड में कहें तो कोलीसिस्टाइसिस कहा जाता है। जब पित्त पित्ताशय में फंसा रह जाता है या कहें तो पित्त बाहर नहीं आ पाता न अंदर जा पाता है तो क्या रहता है, पित्ताशय के अंदर सूजन आ जाती है। अब ये फंसा क्यों रह जाता है, पित्ताशय के अंदर पथरी जब बन जाती हैं तब ऐसी स्थिति होती है। जो डक्ट होती है सिस्टैटिक डक्ट को बंद कर देती है और पित्ताशय की वाहिनियाँ एक प्रकार की ट्यूब जो होती हैं, जब पथरी इन पित्त नलिकाओं को बंद कर देती है ऐसी स्थिति में पित्तरस मतलब बाइल जो है पित्ताशय में जमा होता जाता है और पित्त की थैली में सूजन आ जाती है। अब क्या रहता है, ऐसी स्थिति में जब दबाव पड़ता है पित्त की थैली पर तो इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो जाता है। ये पित्ताशय की प्रॉब्लम जो है अधिक मोटापा अधिक उम्र में होती है, हार्मोनल थेरेपी के समय होती है और गर्भावस्था के समय भी हो जाती है। पित्ताशय में सूजन पैदा करने वाले कुछ कारण हैं, जैसे कि ऊपर पेट के दाहिनी तरफ मतलब दाहिनी तरफ ऊपर पेट के दाहिनी तरफ पित्ताशय के अंदर दर्द और भारीपन जैसा महसूस हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं, बुखार आ सकता है और ठंड भी लग सकती है, बेचैनी भी हो सकती है। इन स्थितियों में आपको पित्ताशय की परेशानी हो सकती है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि पित्त की थैली या पित्ताशय कितने प्रकार की सूजन होती है। सबसे पहली बात करें तो कैलिकुलस कोलीसिस्टाइटिस होती है, इसके अंदर आपको पित्ताशय की सूजन का आम प्रकार है और आम तौर पर इसमें कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती है। यह पित्ताशय में रुकावट और आने के कारण होती है। पित्ताशय की रुकावट मुख्य रूप से पित्ताशय में पथरी के कारण होती है। दूसरा टाइप है इसका दोस्तों अकैल्युक्लस कोलीसिस्टाइटिस, यह पित्ताशय की सूजन का एक गंभीर प्रकार होता है जो मुख्य रूप से पित्ताशय में किसी प्रकार की क्षति या चोट लगने के बाद होता है। कोई बड़ा ऑपरेशन होने या कोई गंभीर शारीरिक चोट लगने, जलने, ब्लड इन्फेक्शन होने या एड्स जैसी गंभीर बीमारियां होने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो जाता है।
पित्ताशय की जो पथरी है उसके सूजन के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि ठंड लगना, पेट फूलने पर पोटी जैसे रंग का मल आना, मतलब पोटी जो करते हैं तो मिट्टी के कलर की आ सकती है, त्वचा और आँख सफ़ेद हिस्सा और पीला पड़ जाना, जैसे पीलिया की शिकायत हो जाती है, बच्चों को बुखार मतलब तेज बुखार हो सकता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है और उल्टियां भी बार बार होती रहती हैं, पेट में दर्द होता है और पेट में असामान्य तरीके से बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में होने पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और पित्ताशय की कोलिस्टिटिस जो परेशानी बनती है उसे सही कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, जैसे कि पित्त नलिकाएं ट्यूमर के साथ बंद हो जाना, रक्त वाहिनियों में संबंधी समस्याएं, पित्ताशय के अंदर गाढ़ा द्रव्य बनना, पित्ताशय में खून की सप्लाई कम होना, पित्ताशय में संक्रमण होना, पेट में चोट लगना, ऑपरेशन होना या प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाना, और कॉजेज बनते हैं आपके जैसे कि अधिक उम्र होना, ज़्यादा मोटापा होना। महिलाओं में ये पित्त की थैली में पथरी की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। हार्मोन्स में बदलाव होना, गर्भावस्था की शिकायत, गर्भावस्था में ऐसी शिकायत बन जाती है, तेजी से वजन घटना या बढ़ जाना, इन स्थितियों में आपको पित्त की थैली के अंदर इन्फेक्शन, सूजन और कोलिस्टिटिस बन सकता है। अब बात कर सकते हैं आपके प्रिवेंशन की, तो पित्त की थैली के अंदर सूजन के बचाव क्या हैं, जैसे कि आपको खाने पीने की चीज़ों में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, नाश्ता दोपहर का भोजन और शाम का भोजन हमेशा समय पर ही करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आहार में खूब मात्रा में फल सब्जियां और स्वस्थ वसा को शामिल करें, जैसे अंडे सोयाबीन मूंगफली आदि खाना काफ़ी फायदेमंद होता है। वजन कम करने से भी पित्ताशय में सूजन होने से बचा जा सकता है। और अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, बोले तो इसके अंदर हम क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। सबसे पहले बोलूँगा तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड कराना सबसे बेटर होगा। अल्ट्रासाउंड आप कराइए, हॉल एब्डोमेन के अंदर आपको कोलिस्टिटिस आपको परेशानी देखने को मिलेगी, या फिर आप करा सकते हैं एक टेस्ट होता है दोस्तों कोलिंजियोग्राफी। इस टेस्ट प्रक्रिया में विशेष प्रकार की डाई का उपयोग किया जाता है। इस डाई को पित्त नलिकाओं में डाला जाता है, इसके बाद पित्ताशय क्षेत्र का एक्सरे किया जाता है। डाई की मदद से एक्सरे तस्वीरों में पित्ताशय के भाग साफ दिखाई देते हैं। ये आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। साथ साथ ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, एमाइलेज और लिपेज टेस्ट करा सकते हैं, सीरम बिलरुबिन टेस्ट करा सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन करा सकते हैं और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है, इलाज की बात करते हैं तो दोस्तों कोलिस्टिटिस में पित्ताशय की सूजन में आपका इलाज की बात करते हैं। यदि पेट में गंभीर दर्द है तो ऐसी स्थिति में आपको एनाल्जेसिक जैसे कि बोले आपको पेन किलर दवाइयां आपको लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप खाना पीना विशेष तौर से बंद कर दें या फिर खाना पीने का विशेष ध्यान रखें। रहता है दोस्तों पित्ताशय के अंदर जब भी कोई भी परेशानी बनती है तो आप फास्ट रखते हैं या व्रत रखते हैं तो आपको आराम मिलता है। दर्द निवारक गोलियां ले सकते हैं,
कॉन्स्टिपेशन के लिए पीपीआई कैप्सूल ले सकते हैं, जैसे कि दर्द निवारण के लिए जीरोडॉल एसपी, पीपीआई के लिए पेंटाप्राजोल डीएसआर। अब एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो अर्सोडाइल जो टैबलेट आती है ये पित्ताशय की पथरी को पिघलाने के लिए काम करती है। अर्सोडाइल इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से पित्ताशय की पथरी पिघल जाती है और पित्ताशय के अंदर जो परेशानियां बनती हैं वो सही हो जाती हैं। ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर दोस्तों यदि दर्द नहीं रुक रहा है तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उससे भी मरीज को आराम नहीं लग रहा है तो आप ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं एज ए डॉक्टर की कंसल्ट के साथ। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टोमी होती है और ओपरेट कोलिसिस्टोमी होती है, इन दोनों में से आप कोई सी भी करा सकते हैं। पित्ताशय के रिस्क क्या है? कॉम्प्लिकेशन कोलिसिस्थेसिस रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, पित्ताशय की पथरी परत में दरार होना, पेरिटोनियस टाइटिस, पेट के अंदरूनी परत में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, गंभीर पेट दर्द हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, फिशुल्ला हो सकता है, इस तरह की बीमारियां बन सकती हैं। तो दोस्तों कोलिसिस्थेसिस एक गंभीर बीमारी है, इसको आप सही करने के लिए विशेष तौर से आप अपने आपका विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों आपका कोई भी इस वीडियो से लेकर संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। कमेंट करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और यदि आपने मुझे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसकी आईडी है @glancinginda। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।